वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रेजेंटेशन होते हैं एंड सो ऑन। राइट, लेट्स सी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इट मींस प्लेसिंग ऑफ डेटा इन क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। मतलब डेटा को अपन को प्लेस करना है, रखना है एक क्लियर और अट्रैक्टिव तरीके से, विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज, जिसको अपन इजिली समझ सके और एनालाइज कर सके। मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स अपन को डेटा को ऐसे प्रेजेंट करना है जिससे वो क्लियर हो, सिंपल हो, उसको अपन इजीली समझ सके और एनालाइज कर सके। राइट, अब थ्री फॉर्म्स ऑफ डेटा होते हैं मेनली। एक होता है, फर्स्ट होता है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकेंड होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड द थर्ड इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। राइट, अब क्या होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब क्या होता है, टेक्स्ट है, नाम बता रहा है। व्हेन डेटा आर पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, जिसके लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस काम के लिए अपने डेटा को कलेक्ट किया, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल का पार्ट जिसमें आता है, उसे कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। मतलब जब डेटा का डिस्क्रिप्शन अपन किसी चीज में लिखते हैं तो उसे कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। राइट, अब ये सूटेबल कहाँ रहता है, व्हेन क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज, जब डेटा की क्वांटिटी ज्यादा बड़ी नहीं होती तब सूटेबल होता है। जैसे अपन ने देख रखा है इसमें गोल्ड राइजेस बाय 40%, मतलब ऐसे नहीं बोला, अपन को क्लियर बताना है कि कितना गोल्ड बढ़ा। जैसे सपोज एग्जांपल लिया कि गोल्ड की प्राइसेस, सोने की प्राइस अनाप शनाप बढ़ रही है, बहुत ज्यादा स्काई टचिंग प्राइस हो रही है, ऐसे नहीं बोलना है। इसको अपन कैसे बताएगा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बताएगा कि जैसे 40% से गोल्ड राइज हो गया, 60% से सिल्वर राइज हो गया, ऐसे बताएगा। राइट, अब कुछ ड्रॉबैक भी है इसके। एट अ ग्लांस डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, अगर एक नजर देखें इस पे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पे, तो ये अपन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा या ये कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सेकेंड इज कंपेरिजन कांट बी डन इजिली, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में अपन इजिली कंपेरिजन नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। सेकेंड फॉर्म्स ऑफ डेटा, सेकेंड फॉर्म ऑफ डेटा आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या होता है ये, अ स्टैटिस्टिकल टेबल, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम। जब किसी सिस्टमैटिक टेबल को अपन रोज और कॉलम में डिवाइड करते हैं या ये कह प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं अपन टेबुलर प्रेजेंटेशन। राइट, अब कंपोनेंट्स ऑफ टेबल क्या होते हैं, कोई भी एक टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए एक टेबल में। लेट्स सी, टेबल नंबर, टेबल नंबर सबसे पहले आना चाहिए कि कौन से नंबर की टेबल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। टाइटल, किस बारे में है टेबल, ये भी क्लियर पता होना चाहिए। थर्ड इज हेड नोट, ऊपर लिखा रहता है ना कि किसकी डिटेल्स वगैरह है, वो चीज़ें। टाइटल और हेड नोट में डिफरेंस है, टाइटल तो अपना, हेड नोट तो अपना आ जाता है ऊपर की तरफ, टाइटल होता है किस चीज़ की टेबल है। फोर्थ आता है स्टब्स, स्टब्स मीन्स रो की जो हेडिंग होती है दैट इज कॉल्ड स्टब। कैप्शन मीन्स कॉलम की जो हेडिंग होती है दैट इज कॉल्ड कैप्शन। बॉडी ऑफ फील्ड मतलब कि जो पूरी बॉडी, जो टेबल के अंदर का सारा मैटर है दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ फील्ड। फुटनोट्स लास्ट में रहता है एंड लास्ट आता है सोर्सेज। अगर अपन ने सेकेंडरी डेटा से डेटा को कलेक्ट करा है, सेकेंडरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट किया है, तो अपन को सोर्स लिखना पड़ेगा उसमें। माइक्रो स्टैटिस्टिक्स के दो लिंक दे रखे हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो सीक्वेंसेस मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। राइट, ऑन एन एवरेज मेरे वीडियो 10 मिनट के ही है क्योंकि। ओके, नाउ सी द फीचर्स ऑफ गुड टेबल, या फिर ये कहा है गाइडलाइंस टू कंस्ट्रक्ट अ गुड टेबल, क्या क्या चीजें होनी चाहिए अच्छी टेबल में। फर्स्ट इज कंपैटिबल टाइटल, मतलब टाइटल जो अपन रखे टेबल का वो सूट करते होना चाहिए, जिसके बारे में टेबल है उससे सूट करते होना चाहिए, और टाइटल हमेशा मिडिल में आना चाहिए, टॉप की साइड, ठीक है। सेकेंड आता है कंपेरिजन, अपन हर आइटम जो टेबल में है उसको इस तरीके से रखना है रोज और कॉलम में, जिससे कि वो इजिली कंपेयर कर सके। थर्ड पॉइंट, स्पेशल एम्फेसिस, कई चीज़ें आइटम्स में, टेबल में कई आइटम्स को स्पेशल एम्फेसिस दिया जाना चाहिए, देते हैं अपन, तो वो कहाँ आएंगे, हेड कॉलम पे या हेड रो पे। राइट, अब आएगा फोर्थ, आइडल साइज की टेबल होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट साइज की टेबल होनी चाहिए। फिफ्थ इज स्टब्स, स्टब्स मीन्स रो की हेडिंग, अगर रो बहुत लंबी लंबी है, बड़ी बड़ी है, तो अपन को स्टब्स देने चाहिए तब। यूज ऑफ जीरो, जीरो तभी देना चाहिए जब कोई डेटा, कोई आइटम जीरो क्वांटिटी में हो, ऐसा नहीं है किसी का डेटा अवेलेबल नहीं है तो अपन ने उसको जीरो लिख दिया, नहीं, तब अपन हैश करेंगे, बट अगर जीरो होगा तो ये अपन जीरो लिखेंगे। हेडिंग्स, हेडिंग्स अपन को पता है हेडिंग्स कहाँ आती है, हेडिंग्स एक तो सबसे पहली बात इसमें हेडिंग जो आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। एट आएगा एब्रीवेशन, अपन यूज नहीं करेंगे, अपन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, जैसे अपन ने लिख दिया गवर्नमेंट, GOVT, ऐसे यूज नहीं करेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे अपन इसमें। राइट, अब आता है फुटनोट्स, क्या होता है फुटनोट्स, अपन को पता है नीचे आएंगे। यूनिट्स, यूनिट्स कहाँ आएगी, कॉलम के ऊपर की साइड में, ठीक है। टोटल क्या होता है, जितने टोटल आइटम्स है वो हमेशा कहाँ आएंगे, हर रो के एंड में आएंगे। परसेंटेज और रेशियो, अगर पॉसिबल हो तो हर टेबल में परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है। सोर्स ऑफ डेटा कहाँ पे आएगा, फुटनोट में। साइज ऑफ कॉलम, जो कॉलम का साइज होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम मतलब जो सिमिलर डेटा है, सिमिलर आइटम्स है, उनको एक दूसरे के पास रखना होगा जिससे वो इजिली कंपेयर कर सके।
राइट, और टेबल क्या होनी चाहिए, सिंपल अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल। सिंपल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सस्ती बननी चाहिए। राइट, अब आती है काइंड्स ऑफ टेबल, कितनी तरह की अपनी टेबल्स होती है। राइट, बेसिकली तीन तरह की अपने होती है, अकॉर्डिंग टू पर्पस डिवाइड होती है टेबल, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब अकॉर्डिंग टू पर्पस में क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। अगर अपन ने कोई टेबल जनरल पर्पस के लिए है, भाई सबके काम में आ जाए, जनरल यूज के लिए ले ली, तो आ जाएगी जनरल टेबल, और स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपने लिए तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक टेबल। राइट, अब अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अगर अपन ने डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में रख रखा है, जिस तरीके से अपन ने कलेक्ट किया है, तो अपन ओरिजिनल टेबल बनेगी। और अपन ने डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं करा, इनफैक्ट अपन ने उसको परसेंटेज और रेशियो में कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया है, तो उसे अपन कहेंगे डिराइव्ड टेबल। थर्ड आती है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सिंपल और वन वे टेबल, और दूसरी आएगी कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल और वन वे टेबल मतलब जो एक कैरेक्टरिस्टिक बताती है डेटा की, मतलब दे दिया अपन को डेटा और बता दिया कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेबल में तीन चीजें आती है, सिंपल वन वे टेबल एक कैरेक्टरिस्टिक बताती है, कॉम्प्लेक्स टेबल में टू वे टेबल जो दो कैरेक्टरिस्टिक बताती है डेटा की, ट्रिपल टेबल जो तीन कैरेक्टरिस्टिक बताती है डेटा की, एंड मैनिफोल्ड टेबल जो मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है डेटा की। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही मेरे अपलोड हुई वीडियो आपको इमीडिएटली पता चल जाए, बिकॉज ऑन एन एवरेज मेरा हर दिन एक वीडियो अपलोड हो ही जाता है। राइट, नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। राइट, इसमें किस तरीके से अपन क्लासिफाई करते हैं डेटा को और टेबुलर प्रेजेंटेशन को, फोर मेन होते हैं, कौन कौन से, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेटिव। अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा इन दोनों का मतलब, ये नए टर्म्स है ना जिनके लिए फर्स्ट टाइम वीडियो देखे, टेम्पोरल एंड स्पेटिव। फर्स्ट देखिए क्वालिटेटिव में कैसे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन जब टेबल का या डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं, क्वालिटी जैसे लिटरेट है या इलिटरेट है, मतलब पढ़ा लिखा है या बिना पढ़ा लिखा है ऐसे। राइट, क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वेट कितना है, ऐसे क्वांटिटी अपन ने बता कर दी। राइट, थर्ड आता है टेम्पोरल, मतलब टाइम के बेसिस पे कि 2015 में ये डेटा था, 2016 में इतना है, 2017 में इतना है ऐसे। एंड द लास्ट इज स्पेटियल, स्पेटियल मीन्स लोकेशन के अकॉर्डिंग कि राजस्थान में इतना है, गुजरात में इतना है, पंजाब में इतना है ऐसे। राइट, एंड कम्स द लास्ट पॉइंट इज मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, क्या क्या मेरिट्स होती है, क्या क्या फायदे होते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन के। सिंपल एंड ब्रीफ, एक तो सिंपल और ब्रीफ होता है ये। सेकेंड इज स्पेशलिस्ट कंपेरिजन, ये अपन को एक तो कंपेरिजन करने में भी कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ईजिली अपन इसको एनालाइज कर सकते हैं, हाईलाइट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा की, एंड लास्ट इज इकोनॉमिकल, सस्ता होता है। नो फ्रेंड्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन इस चैप्टर का, इसमें आपके सब तरह की चीजें कवर कर देंगे। राइट, क्या है क्वेश्चन देखिए, देयर वर 80% ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, एक स्कूल में 80 लोगों की, 80 नंबर ऑफ पीपल की ऑर्गेनाइज करी ट्रिप, आउट ऑफ विच 60 तो बच्चे थे, 14 वर टीचर्स, 6 वर पियंस, और पियंस सारे मेल्स थे। राइट, आउट ऑफ टोटल 16 वर फीमेल्स, 16 फीमेल्स थी इंक्लूडिंग वन लेडी टीचर, जिसमें एक लेडी टीचर थी। अपन को पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब अपन को देखना है कि करना कैसे, प्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल। टेबल अपन को प्रिपेयर करना आता है, अपन को पता है बहुत सिंपल है, पर टेबल से पहले टेबल का डेटा होना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि टेबल तो सिंपली अपन प्रिपेयर कर लेंगे, तो डेटा कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। 80% से टोटल जो गए थे, राइट, 60 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 20 स्टाफ के हो गए, 80 - 60 20 स्टाफ के हो गए। अब जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है, 16 वर फीमेल्स आउट ऑफ विच वन लेडी टीचर इज देयर, 16 फीमेल्स, इसमें लेडी टीचर कितनी है, वन। राइट, अब लेडी टीचर वन है, मतलब बाकी की 15 कौन हो गई, बाकी 15 गर्ल्स हो गई ना, 16 में से अगर एक लेडी टीचर गई तो 15 क्या हुई, 15 गर्ल्स हो गई, तो अपने पास गर्ल्स का डेटा आ गया कि गर्ल्स कितनी है, 15। इधर अपन गर्ल्स लिख देते हैं, फीमेल्स कितनी हुई, स्टूडेंट्स हैं 15। अब ये देखिए 60 स्टूडेंट्स में 15 गर्ल्स थी, तो बॉयज कितने होंगे, 60 - 15 इज इक्वल्स टू 45, ये बॉयज हो गए ना 45, क्योंकि टोटल में से गर्ल्स का क्वांटिटी माइनस करेंगे तो 45 बॉयज हो गए, ये आ गया 45 बॉयज। राइट, ये आ गया 45। ओके, नाउ कम्स द टीचर्स, अपन को चाहिए वन लेडी टीचर है तो वन फीमेल टीचर कर दी, टीचर्स अपने को पता है 14 थी, वैसे वन लेडी टीचर है तो बाकी मेल टीचर हो गए, ये आ गया 30। पियर्स अपन को पता है 6 है और 6 की 6 मेल्स है, तो मेल्स में 6 लिख दिया और फीमेल्स 0। अब सिंपली इनको टोटल कर लेना है। राइट, 45 + 3 ये 5, 6, 7, 8 14, ये इधर 14 आ गया, ये 64 आ गया, सिंपल टोटल कर रहा है 15 और 16। राइट, अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं अपन, 60 ये 14 एंड दिस इज 6, कितने हुए 80।
और इसका कितना हुआ, 80 हुआ। कभी भी देख लेना, जब भी आप टेबल आपकी सही बनी है नहीं बनी, डेटा सही कलेक्ट करे नहीं करे, देख लेना ये वाला टेबल का और इसका टेबल का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। अच्छा इधर जीरो आएगा या कुछ और आएगा? अपन ने पढ़ा था टेबल में जीरो तभी आएगा जब डेटा जीरो दे रखा है, अगर कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, निल। राइट, यही छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान रखनी है बस जब भी टेबल प्रिपेयर करें। ओके।